so now guys students we are going to start a new chapter that is straight lines okay so basically straight line is a part of you know a module which is called as coordinate geometry in this module we have you know basically five chapters स्ट्रेट लाइन सर्कल्स पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला इन पांचों चैप्टर्स को मिला के आपका जेई मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल रेडी होता है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अभी हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं तो पहले हम कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे ठीक है और उसके बाद हम फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज straight lines, okay. So let's first start with the introduction of coordinates. So first let's discuss some very basic point. So what is coordinate geometry? A system of geometry where the position of points is described using an ordered pair of numbers, right? तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं किसी भी पॉइंट की अगर आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी है गाइज सो वी यूज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ओके दैट इज एक्स कॉमा वाई विच यू हैव ऑलरेडी सीन राइट हाउ वी यूज दिस पॉइंट सो बेसिकली दब्जेक्टिव ऑलरेडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्डिनेट ज्योमेट्री इज टू यूज सम नोन फेक्स अबाउट अ कर्व डर टू ऑप्टेन इट इक्वेशन तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं गाइज वी टॉक अबाउट इक्वेशन अभी तक आपने क्या देखा डिफरेंट डिफरेंट कर्व के ज्योमेट्रिकल नेचर के बारे में देखा था उनका एरिया कैसे फाइन करते हैं पेरीमीटर कैसे फाइन करते हैं राइट सरकम फेरेंस कैसे फाइन करते हैं यहां पर हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू ऑपटेन इक्वेशन ऑफ दीज डिफरेंट डिफरेंट कर्व और राइट एंड यूजिंग द इक्वेशन how we can deduce some other properties of the curves as well all right okay so now if we talk about cartesian coordinates of any plane guys so what we will say we'll say that if you have if you have two axes that is one horizontal axis and one vertical axis. Okay. So, you all of you know the horizontal axis is called as the x axis and the vertical axis is called as the y axis. Alright. So, this is my basically you can say it is your Cartesian plane. Alright. So, it, it have two axes that is a horizontal axis which is called as x and a vertical axis that is called as a, a y axis. Okay. Now, हम क्या बोलेंगे कि हॉरिजोंटल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस जहां पर आपकी इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज दी ओरिजिन राइट नाउ यू नो दिस यू कैन नेम इज एट बेसिकली एक्स दिस कैन यू नेम एज एक्स डैश सो एक्स डैश ओ एक्स इट इज यक्स एक्सेस And y dash o y, that is your y axis. Alright. So these are the two uh, straight lines, or you can say these are your two axes which are at right angle. Okay. So they are at 90 degree and they intersect at the point which is called as the origin and we denote it using capital O. Alright. So this Cartesian plane, alright, this Cartesian plane will be used for टिंग कॉर्डिनेट ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी पॉइंट की अगर आपको लोकेशन डिफाइन करनी है तो हम क्या करेंगे कॉर्डिनेट प्लेन का ही यूज करने वाले हैं ठीक है चलो अब गाइज यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मुला सो गाइज ऑल ऑफ यू नो लाइक इफ यू हैव अवर कॉर्डिनेट प्लेन इफ यू हैव एनी पॉइंट पी ओवर योर राइट है सो so, इसका क्या मीनिंग होगा द मीनिंग इज दैट दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई यूनिट फ्रॉम योर एक्स एक्सिस ठीक है तो किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस और किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है गाइस इट इज योर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी वाई एक्सिस ठीक है तो अगर मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट के कॉर्डिनेट एट सपोज टू कोमा है तो x कोऑर्डिनेट टू मतलब y एक्सिस से उसका डिस्टेंस टू यूनिट्स और x कोऑर्डिनेट अगर लेट सपोज y कोऑर्डिनेट अगर मैंने थ्री बोल दिया तो इसका मतलब x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस थ्री यूनिट होगा ओके नाउ गाइस बेसिकली कैन यू सी दिस कार्टेशियन प्लेन दिज एक्स दीज आर डिवाइडिंग दिस प्लेन इंटू फोर क्वाड्रेंट्स राइट दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट

पॉजिटिव होने वाले हैं अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिमिलरली अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखो यहां पर अब क्या हो गया एक्स एक्सिस मेरा नेगेटिव हो गया ठीक है यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये आपका पॉजिटिव प्लस वाई है ये नेगेटिव वाई है ये नेगेटिव एक्स है ये पॉजिटिव एक्स है सो इफ इफ द पॉइंट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वार्टर बोथ एक्स एंड वाई विल बी पॉजिटिव इफ द पॉइंट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वार्टर तो एक्स नेगेटिव और y बेटा आपका पॉजिटिव रहने वाला है ठीक है सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव सो इफ अ पॉइंट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑफ द फॉर्म नेगेटिव कॉमा नेगेटिव एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव ओके सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन से दैट कार्टेशियन यू नो आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड प्लेन इनटू फोर क्वाड्रेंट्स एंड Based on the coordinates, we can identify in which quadrant our point is lying. Okay. Alright. This is all base 6 of your coordinate geometry. Now let's talk about a important formula that is called as the distance formula. Alright. So now what is distance formula? So basically guys, in, if in coordinate plane, you have two points, that is P and Q, having coordinates x1, y1 and x2, y2. ठीक है तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 तो हम क्या बोलेंगे इफ आई नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स अगर हमें ये डिस्टेंस डी फाइंड करना है बेटा ओके या फिर आप pq से बोले अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है सो दिस डिस्टेंस pq कम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1, you can say x1 minus x2 square plus y1 minus y2 whole square. Okay? So this formula is called as your simply distance formula for finding out distance between टू गिवन पॉइंट्स ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए राइट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स देन द डिस्टेंस इज सिंपली अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एब्सिसा राइट डिफरेंस ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स1 एक्स2 स्क्वायर प्लस y1 y2 स्क्वायर ओके सो दिस इज हाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स

x2 minus x1, that will be x minus 0 square plus y minus 0 square. So basically, x minus 0 is x only, so this will become x square only, and y minus 0 will be y, so this will become y square only. So you can directly say that if you need to find distance of any point from the origin, it will be simply equal to under root x square plus y square, right? Unke x coordinate ka square plus y coordinate ka square ka root agar we a so we will get the distance of the point from the origin same formula just you know one point will become 0 comma 0 right beta okay then let's see now some questions okay so first question is a proof question very good prove that the point 2a comma a 2a comma 6a and c that is 2a sorry 2a plus root 3a comma 5a where a is positive आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमें क्या प्रूव करना है तो बेटा आपको तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो लेट्स सपोज हमने मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी और सी ठीक है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सर 2a, 4a बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 6a और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं

Yes or no. Some of you might be thinking, sir, all the angles are also equal. but which property you will use over here? So just now we have discussed distance formula. All right, we have the coordinates of all the points, so that means we can find the side lengths by applying distance formula very easy. So we will use the first property that is we will say if length of a, B, BC, and AC, all the three sides will come equal, then I will say that it's a equilateral triangle. So ChiK. Okay?

पर जो 2A है और टू ए

प्लस ही आ जाएगा लेकिन स्क्वायर होने पे तो माइनस प्लस का कोई होगा सो माइनस साइन एनी वे इट विल बी गॉन सो रूट थ्री ए का स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सो दिस विल अगेन बिकम फोर ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर इज अगेन टू ए and finally guys you can calculate ac side length which will be under root of again 2a plus root 3a minus 2a so this will again become root 3a simply so root 3a square plus 5a minus 4a that will be a so a square again root 3a square is 3a square and a square will be uh, you know adding this it will be 4a square and under root of 4a square is again 2a can you see over here ऑल द थ्री साइड ए बी बी सी एंड सी एन सी ए सी आर कमिंगल ट्राइंगल ओकेट्स वाई सर दिस ट्राइंगल विल बी अक्विलेटरल ट्राइंगल इज इट क्लियर राइट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गई सोल्यूशन हमने देख लिया okay so what is the next question if the line joining the points a comma b and c comma d subtends a right angle at the origin show that ac plus bd is equal to 0 okay very good question so let's suppose i draw coordinate axes like this this is my beta origin okay we have one point that is a and its coordinates are a comma b and let's suppose this is somewhere we have point b and its coordinates are c comma d so what is given if the line joining a and b so this line subtends right angle at the origin so guys the question is trying to say basically that this angle is a right angle that means it's a 90 degree angle okay so you have to prove

तो देखो क्वेश्चन में ना ऑलवेज यू नो यू हैव टू टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इज 90 राइट सो एंड आई टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिस इज ट्रू फॉर एवरी चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलवेज ड्रॉ रफ फिगर एज सुन एज दी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल यू कैन डायरेक्टली डू विदाउट सॉल्विंग यू नो आई पर्सनली दिस इज माई मैथड ऑलवेज ड्रॉ रफ फिगर इट विल नॉट टेक मोर देन थर्टी सेकेंड बट इट विल गिव यू अ लॉजिक लाइक हियर ओके कैन यू सी वॉट लॉजिक वी कैन अप्लाई कैन यू सी आई कैन से दैट ट्रांगल एओ बी इज अ राइट एंगल ट्राएंगल एओ क्या दिख रहा है बेटा एक राइट एंगल ट्राएंगल दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे ट्रैंगल ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके क्या बोल दिया बेटा मैंने कि ट्राइंगल एओबी हमें यहां पर सर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल एओबी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आई कैन अप्लाई यस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो हमें पता है ना क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो वो क्या होता है सो गाइस इफ दिस एंगल इज 90 ऑब्वियसली द साइड अपोजिट दैट इज ए बी विल बी हाइपोटेनियस एंड ए ओ एंड ओ बी विल बी बेस एंड परपेंडिकुलर सो आई कैन से वेरी इजीली दैट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर राइट दिस इज व्हाट वी कैन से ओके व्हाट इज द रीजन आई एम राइटिंग ओवर हियर पाइथागोरस

Okay, so that will be a minus c whole square plus b minus d whole square ka under root. Right? This under root will be a b, but again I am taking a square, so under root will be gone. So here if you see guys what we are getting, a square plus b square plus c square plus d square equal to a square plus c square minus 2ac plus b square plus d square Minus 2bd. Okay. So, guys, can you see a square, a square gone, b square, b square gone, c square, c square gone, d square, d square gone. So, if you take both the terms over here, you are getting 2ac plus 2bd equal to 0. You can take 2 common and take it over with 0. So, can you see finally we are getting that ac plus bd is equal to 0. ठीक है तो यहां सिंपली क्या आ गया बेटा कि ए सी प्लस बी डी इक्वल टू जीरो और क्या यही हमें प्रूव करना था ओके सो वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओवर हियर टू प्रूव दिस पर्टिकुलर कंडीशन गॉट इट ओके सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूलाइट सो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला सो लेट सपोज इफ वी यू हैवॉइंट पी और राइट इफ वी हैव अ पॉइंट पी व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो एम एस टू एन ओके सो गाइस क्या बोला जा रहा है कि लेट सपोज आपके पास दो पॉइंट है ए और बी ठीक है एंड वी हैेशम इज टू एन ठीक है अगर ये लेट सपोज ए के कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन और बी के कॉर्डिनेट है एक्स टू वाई टू ओके सो वॉट इज गिवन टू अर्स दैट वी आर बी और एक पॉइंट पी है जो A और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एम इू एन के रेशियो में डिवाइड करता है सो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला इज द फॉर्मूला विच अस द वैल्यूज ओके और वैल्यूज ऑफ दिस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बट नाउ गाइस सी व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो दिस पॉइंट डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट सो दिस पॉइंट कैन डिवाइडेड इन टू मैनर्स वन इज इंटरनल डिवीजन कि ये पॉइंट इंटरनली लाइ करे लेकिन एक कैस ऐसा भी हो सकता है दैट लेट सपोज दिस इज योर लाइन जॉइनिंग ए बी बट दिस पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड बिकॉज हियर ऑल्सो इट कैन डिवाइडेड इन द रेशो एम इज टू एन ना दिस पार्ट इज एम एंड दिस पार्ट इज एन केस इट इज कॉल्ड एज योर इंटरनल डिविजन राइट द लाइन बेसिकली बी यू कैन पॉइंट इज कॉल्ड एज दिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन फार्मूला में दो केसेस हो सकते हैं पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है राइट right? ठीक है सर ये डिवाइड तो कर दिया बट अब एक सौ के फॉर्मुले uh, you know, क्या होंगी वॉट विल फॉर्मुला सो गाइस दिस इज दुलाउट दी फर्स्ट थिंगल डिजन राइट इफ पॉइंट पी इज लाइंग इंटरनली सो इफ यू हैव द पॉइंट ए एज एक्स वन वाई वन पॉइंट बी एज एक्स टू वाय टू सो कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी सो दर्डिनेट बेटा इट इज गिवन बाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन उसको तो याद कैसे रखेंगे ठीक है डेरिवेशन यू नो यू हैव डन इन प्रीवियस क्लास एंड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस तो आपको याद बस ऐसे रखना है कि जो भी रेशियो है उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई

अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो गया सर तो तो कोई बात नहीं एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा पॉइंट पी बाहर लाए करेगा है ना ये हमारे पॉइंट हो गए ए और बी और पॉइंट पी बाहर लाए कर रहा है तो देखो ए से डिस्टेंस है एम और एन से रेशियो है बेसिकली एन सो हियर द इज इन द फॉर्मूला गाइज यू विल गेट अ माइनस साइन इन बिटवीन देख रहे हो जहां प्लस था उसकी जगह सिंपली क्या आ गया माइनस आ गया राइट हम क्या बोलेंगे कि अब सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो पी के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी एम एक्स टू एन एक्स वन बट बीच में प्लस नहीं माइनस होगा तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सिमिलर एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन तो फॉर्मूला बहुत ईजी है बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर इंटरनल डिविजन है तो प्लस साइन एक्सटर्नल है तो माइनस साइन क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल बट आपको दोनों चीजें माइंड में रखनी है कई बार लो, बच्चे सिर्फ इस इंटरनल डिवीजन को सेक्शन फॉर्मुला मतलब ये अरे नहीं भाई एक्सटर्नल भी हो सकता है पॉइंट पी भार भी तो लाई कर सकता है ना ठीक है तो ये दो चीजें आप याद रख लीजिए दैट इट्स डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला में इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक छोटा सा चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है बेसिकली सो गाइज इफ यू आई एम दैट आई हैव टू पॉइंट ए एंड बी हैविंग कॉर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट राइट right? अगर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो गाइज मिड पॉइंट को मतलब क्या हुआ कि ये रेशो जो होगा ये वन एस टू वन होगा क्या है ना एम जो है ए बी को वन एस टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है ए एम और एम बी डिस्टेंस इक्वल होंगे तभी तो मिड पॉइंट बोलेंगे तो एम क्या कर रहा है सर वन एस टू वन के रेशो में अप्लाई कर रहा है तो यार यहां पर लगा दो आप अपना डिस्टेंस फॉर्मूला तो एक्स कॉर्डिनेट राइट एम मिड पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट क्या लिखोगे m x2 so 1 into x2 will be x2 n x1 so 1 into x1 will be x1 upon m plus n that will be 1 plus 1 2 so this is x coordinate and similarly y coordinate what you m into y2 so that is y2 only 1 into y1 that will be again y1 divided by m plus n which is 2 so guys this is called as your midpoint formula of uh, you know basically uh, this gives us the midpoint of लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट सो एक्स इज सिंपली सम ऑफ देयर एक्स वन प्लसनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज वाई वन प्लस तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मुला विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन राइट हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके ही निकाला है बट अब से आपको याद रखना है कि हाँ किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने का मिड पॉइंट राइट इफ यू हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट इट विल बी सिंपली गिवन बाय विन प्लस दैट्स इट इन थ्योरी ऑफ सेक्शन फॉर्मूला अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन गई इस क्या है यहां पर देखें हा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सिक्स कॉमा थ्री एंड माइनस वन कॉमा माइनस फोर इज डबल्ड इन लेंथ बाय एडिंग हाफ ऑफ ए बी टू ईच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू एंड पॉइंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्या बोल दिया गया कि यार एक पॉइंट ए था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा सिक्स कॉमा थ्री एक पॉइंट था बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा माइनस वन कॉमा माइनस फोर अब हमने क्या किया वॉट एवर इज देंथ ऑफ दिस लाइन ओके हमने क्या किया इसके इस पार्ट पे हमने हाफ ऑफ द लेंथ एड किया तो लेट सपोज हमें एक पॉइंट मिलता है पी इस साइड भी हमने ए बी का हाफ पार्ट जो भी ए बी का लेंथ था हा, उसका हाफ पार्ट हमने एड कर दिया तो ये पॉइंट आ गया लेट सपोज क्यू ठीक है तो हमें दो पॉइंट मिल रहे हैं पी और क्यू हमें क्या करना है इन दोनों के क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स तो कैसे निकाले तो गईस देखिए यहां पर क्या है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशो थ्री इज टू टू और सॉरी थ्री इज टू वन यस और नो टेल मी क्या बोला मैंने कि यार ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को थ्री इज टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा होगा वाई बिकॉज लेट सपोज इफ आई है लेंथ ऑफ दिस ए बी लाइनस टू एल तो हमने हाफ ऑफ पार्ट दोनों तरफ ऐड किया है तो ए पार्ट का लेंथ भी कितना हो जाएगा एल और बी क्यू पार्ट का भी लेंथ हो जाएगा एल ओके okay? तो अब अगर आप देखें तो इस क्यू को भूल जाओ इस पार्ट को भूल जाओ इधर इधर का देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि P का B से डिस्टेंस कितना है 12 एल प्लस एल दैट इज थ्री और P का A से डिस्टेंस कितना है L तो क्या मैं बोल सकता हूं कि P इज डिवाइडिंग लाइन जॉइनिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशन थ्री 3L अपॉन एल करोगे तो थ्री वन आ जाएगा ना राइट right? तो इस तरह से हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो 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 अब अब बस क्या अब तो क्या करना है हमे? लगाना है हमें लगाना P P P के राइट राइट right? का X X X X कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आ जाएगा कॉमा कॉमा सो सो ऑफ़ लेट मी कॉल इट ओके द द 3 into 6, right? So, you will subtract over here, all right? So, minus 1 minus 3 into 6, that will be 18 divided by m plus n, so this is 3 plus, uh, sorry, 3 minus 1, that will be what? Uh, 2. ठीक है ये कितना आ जाएगा यहां पे 2 आ जाएगा तो हमने क्या बोला कि किसके इक्वल होगा द एक्स कोऑर्डिनेट इट विल बी इक्वल टू mx2 nx1

तो आ रहा है माइनस नाइनटीन बाय माइनस टू दैट विल बी नाइनटीन बाई टू ओके एंडक्स कोऑर्डिनेट इज कमिंग माइनस फोर माइनस नाइन दट इज माइनस बाय माइनस टू विल बी थर्टीन बाई टू तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बाई टू कॉमा थर्टीन बाई टू ठीक है दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड सिमिलरली नाउ यू फाइंड वॉन्ट टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू तो गाइस Q क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहां भी देखो Q जो कर रहा है अब वो फिर से थ्री वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है यहां भी तो थ्री वन का ही रेशो है जैसा रेशो यहां था वैसा ही यहां पर भी है तो अब इसके अगर हमें कॉर्डिनेट निकालने है, तो हम क्या बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्यू एक्स आई एम राइटिंग दैट विल बी इक्वल टू वन इंटू थ्री दैट इज सॉरी वन इंटू सिक्स दैट इज सिक्स माइनस थ्री into minus 1 that will become plus 3 divided by m minus n so 1 minus 3 that will be minus 2 comma okay so this is your yeah x coordinate and q y that will be 1 into 3 that will be 3 minus 3 into minus 4 so that will become plus 12 divided by again 1 minus 3 that is minus 2 so this coordinate is coming minus 9 by 2 and this coordinate is coming minus 15 by तो ये हमारे पी और क्यू के कॉर्डिनेट्स आ गए तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था हमने जिसमें सेक्शन फॉर्मुला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट माइनस सिक्स इन विच द पॉइंट दिस पॉइंट डिवाइड सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड दिस ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो आपको क्या बोला है ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस सो so, इसका सॉल्यूशन देखो आप लोग तो क्या बोला है कि एक पॉइंट है बेटा ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है माइनस थ्री कॉमा वन एक पॉइंट है बी ऑल राइट इट्स कॉर्डिनेट्स आर माइनस एट कॉमा नाइन ऑल राइट सो वी हैव टू कोऑर्डिनेट, टू पॉइंट ए एंड बी ऑल राइट नाउ वॉट इज गिवन टू अस, एक पॉइंट है माइनस सिक्स कॉमा ए ऑल राइट लेट सपोज इसको हमने एम बोल दिया ओके okay. तो हमें निकालना है विच इज यू नॉट डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट ए बी So we have to find that ratio in which this m divides line joining A and B. So, guys, whenever you have to find ratio now, nah, so what we will do, we assume the ratio as k is to 1. You can assume it as m is to n also, but there we will have two variables m and n. So instead of solving two variables, I can assume it as k is to 1. की जो भी वैल्यू आएगी वही फिर हमारा रेशो हो जाएगा अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो यू नो यूल इफ लेट सपोज के होगा एम एस टू एन तो थ्री बाय टू इज टू वन उसको थ्री टू टू कर लेंगे तो एक तरीके से क्या हो गया एम थ्री और एम टू ओके सो वेवर यू हैव टू फाइंड रेशो ऑलवेज एज्यूम के इज टू वन नाउ इट्स वेरी सिंपल यू ऑलरेडी नो दी This point m, so you will say the x coordinate will be equal to what? Applying section formula k into minus 8, that will be minus 8k plus 1 into minus 3, that will be minus 3 divided by k plus 1. So if you solve this, minus 6k minus 6 is equal to minus 8k minus 3, taking this term over here and this term over here. So minus 8k will become plus 8k, 8k minus 6k, that is 2k. बी oh, okay? नहीं पता था मुझे I, I know, आप लोग विश्वास तो करोगे नहीं कि पता नहीं था के की वैल्यू थ्री बाई टू ही आ गई इसका मतलब सर रेशो क्या हुआ तो बोलेंगे हम रेशो था सर केन मतलब थ्री बाई इज टू वन और थ्री बाई टू टू वन का मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ थ्री इज टू टू तो हम क्या बोलेंगे द पॉइंट माइनस सिक्स इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो थ्री टू टू क्वेश्चन सोल्व यस बट एक पार्ट रह गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अब सर ए का वैल्यू कैसे फाइंड करें रेशो तो आ गया तो यार अगर अब रेशो आ गया है तो ए क्या है वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मुला लगा देते हैं तो हम बोलेंगे ए किसके इक्वल होगा यू नो एम इज टू एन तो अब रेशो को हम थ्री इज टू टू लिख सकते हैं ना थ्री इज टू टू आ गया एम वाई टू थ्री इंटू नाइन प्लस एन इंटू वाई वन सो दिल बी टू इंटू वन अपॉन एम प्लस एन सो नाइन थ्री सेवन प्लस टू इज ट्वेंटी अपॉन फाइव सो दू ऑफा कमिंग ट्वेंटी नाइन अपॉन फाइव तो यहां पर क्या गिवन था आपको रेशो निकालना था तो हमेशा रेशो को केन मानेंगे ठीक है जो भी यहां पर अगर एक्स की जगह वाई गिवन होता और एक्स हमसे पूछा जाता तो फिर हम y कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं टू फाइंड आउट अवर वैल्यू ऑफ के ओके आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो नाउ यू कैन फाइंड दी अनोन कोऑर्डिनेट ओके सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सेक्शन फार्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन